मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार के पत्राचार पर पुलिस मुख्यालय ने ट्रैफिक डीएसपी का किया तबादला। मामला एक महीने पहले की है, जब प्रदेश अध्यक्ष ने डीएसपी के द्वारा मालवाहक वाहनों के अवैध वसूली को लेकर मीडिया से बातचीत भी की थी, साथ ही साथ साक्ष्य संकलन कर मुख्यालय को पत्राचार किया था। आज पुनः प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा संवाददाता सम्मेलन कर डीएसपी के तबादले से असंतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा यह विधि सम्मत कार्रवाई नहीं है, डीएसपी के विरुद्ध पुनः विधि सम्मत कार्रवाई के लिए अब तक उपलब्ध कराए हुए साक्ष्यों के द्वारा मुख्यालय को फिर से पत्राचार किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा यातायात थाना के अधिकांश कर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध भी साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई के लिए जल्द ही वो लिखेंगे। बात करें ट्रैफिक डीएसपी की, बात करें तो उनके द्वारा जो है अनियमों को ताक पर रख के भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपने पत्राचार भी किया, किन किन को पत्राचार किया था, क्या शिकायत की थी आपने? उनमें शिकायत किया गया था कि इनके द्वारा सुबह सुबह तो स्टार्टिंग में तक मॉर्निंग में 5 बजे उठ के ये जो मालवाहक वाहन है ट्रक ट्रैक्टर पकड़ते थे और जो जो उसका चालान वगैरह फाइल होता था उस अनुरूप चालान नहीं काट के एकदम साधारण धाराओं में जो है 2000 रुपये का चालान 500 का चालान काट के और उससे जो है 1000-10000 वसूली किया करते थे, उसको लेकर किया गया था पत्राचार डीजी मुख्यालय को, डीजीपी को, बिहार मुख्यमंत्री को और मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को और कहीं और अन्य जगह भी किया गया था। उसको लेके एविडेंस इसमें लगा दिया गया था, बायोजाब्ते सारे वीडियो फुटेज लगा दिया गया था और अभी फिर उसके बाद भी ये लोग जो है अपना काम जो है करते रहे। बस ये किया कि अपना एरिया चेंज कर दिए, पहले शहर में करते थे और जब मैंने पत्र भेजा उसके बाद ये लोग जो है एनएच तरफ मुड़ गए, एनएच शोभन दिल्ली मोर सिमरी वगैरह वहाँ तक ही अपना जो है लोग बना लिए। डायलॉग का मेन फोकस था सिर्फ मालवाहक वाहन, ट्रक ट्रैक्टर जो भी छोटी मालवाहक वाहन हैं उसको पहले लोग नंबर मोबाइल से जो है सर्च करते हैं कि क्या क्या फैल है, जैसे क्या फैल है तो रोकते हैं, रोक के डीटीओ के नाम से पहले जो है कि डीटीओ के यहाँ जाएगा, ये होगा वो होगा, ये ताम झाम देख के उनसे जो है 10,000-15,000-20,000-50,000 डिमांड करते हैं, जितना मिल जाए 15-20,000 लास्ट में उसको छोड़ देते हैं, मुक्त करते हैं। तो आपकी शिकायत के बाद क्या कोई कार्रवाई होती हुई नजर आई आपको? अभी सूचना प्राप्त हुआ है कि इनका तबादला हो गया है, इनका तबादला हो गया है, लेकिन ये इनका तबादला डीएसपी ट्रैफिक का, डीएसपी ट्रैफिक का बदली हो गया है, लेकिन ये कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम पुनः जो भी एविडेंस मेरे पास है उसको संलग्न कर भेज रहे हैं ताकि इस पर ठोस कार्रवाई हो, इस पर इन पर कार्रवाई चले, वही कार्रवाई चले और पुख्ता कार्रवाई हो। इन ठोस कार्रवाई इन पर भी नहीं हुई है, ये बदली हुआ है, हो सकता है जहां जा रहे हैं बदल के एसडीपीओ में बदली हुआ है वहां तो और लूटेंगे ये लोगों को, जब इनका नीति यहां से बन चुका है तो वहां तो और लोगों को लूटेंगे, लोगों को न्याय कहां से मिल पाएगा, इसलिए इन पर ठोस कार्रवाई हो, विभाग कार्रवाई करे, इनको सेंडिंग पोस्ट पर डाल के इस पर उचित कार्रवाई करे, इसको लेके हम जो है भेज रहे हैं पुनः। आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं डीएसपी पर जी, और ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार पत्राचार किया, इस बार ये पत्राचार कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या ठोस सबूत आपके पास है? सबूत की बात, पिछले बार सूचना प्राप्त हो रही थी कि सुबह सुबह निकल रहे हैं, पकड़ रहे हैं गाड़ी को और उसमें हमने देखा था, उसमें फिर गाड़ी से हम लोग मैच किए, उसमें टैक्सेस फेल था, उसको नॉर्मल चालान काट के लिए छोड़ दिए थे, तो एविडेंस पे हम लोग ने उसको भेजा सारा कुछ दे के, उसके बाद हम इस पर जो है वर्क करना शुरू करें, हमारी टीम को लगा दिया गया। अब उस पर जो मेरे पास एविडेंस आया है, बहुत सारे वाहनों का गाड़ी का आया है जिसमें 20,000 का फाइन होना था उस पर 2,000 का फाइन है, यानी कि जो 18,000 का फाइन है वो फाइन काटना, ये कोई ये नहीं है, एक तो इनको फाइन काटना नहीं है, जो इस गाड़ी का फिटनेस फेल है, जिस गाड़ी का टैक्स फेल है, उस गाड़ी को ये कंसर्न ड्यूटियों को भेजेंगे लिख के, वहां से फाइन कटेगा, वो भी काम ये किए हैं, जो जो आदमी इनका बात नहीं माना, इनका जो अमाउंट था वो नहीं मिला तो उसको भेज दीजिए, क्या भेज दिए जो इनका कैसे कर सकते हैं, इनका अमाउंट क्या अमाउंट नहीं, मेरे पास साक्ष्य है, क्या अमाउंट अमाउंट मतलब कि गाड़ी का ऐसे डिमांड किया कि भाई ये 40,000 रुपये लाओ, 40,000 रुपये लाओ, क्योंकि उसका जो फाइन था उस लमसम में था और लोग बचते हैं कि भैया गाड़ी फंस जाएगा, हमारा डीटीओ के यहाँ जाएगा, गाड़ी जब्त कर लेगा, कल पहुंचेगा, परसों छोड़ेगा, तो हमारा काम बाधित हो जाएगा, तो लोग चाहते हैं भाई फाइन नहीं हो, जो डिमांड कर रहे हैं उसमें कम न करके लोग लेके देके छोड़ दे, ऐसा कोई सबूत है? हाँ, है, लेन देन का सबूत है? नहीं, लेन देन आप कैसे आ जाएगा, लेन देन तो उनके जो ड्राइवर है वो लोग करते हैं ना, क्या सबूत है लेन देन का? आप एविडेंस है ना मेरे पास, क्या आप इससे समझ जाइएगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, ऑडियो तो है ही है, ऑडियो तो है ही, उसका जो कंप्लेंट उसका ऑडियो है जिससे लिया गया, हाँ जिसका लिया गया उसका ऑडियो है, साथ में मैं बता रहा हूँ ना कि कैसे लोग कारनामा करते हैं, आप ये सामने देख रहे हैं गाड़ी है बेलेरो एम्बुलेंस है, इसको 7 तारीख को पकड़ा गया था, इसका देख लीजिए आप ठीक से, इसका आप फिटनेस फेल है, इंश्योरेंस फेल है,
और इसका पोल्यूशन फैल है, तो कुल मिला के फाइन कम से कम जो है इसका 10,000 रुपया 17 होना था, इनका इन्होंने फाइन काटा है 4,000 का। लिया कितना है? अब देखो यही तो मेन मुद्दा है, आरोपी आप तो यही तो मैं बता रहा हूँ, जब कमर्शियल वाहन को आप पकड़ते हैं तो आप कार्रवाई कीजिए ना, ड्यूटी क्या भेजिए इस गाड़ी को, जो फाइन तय होगा वो फाइन दिया जाएगा, तो आप अपने असर की छोड़ते गाड़ी को ले। एसपी साहब ने पिछली बार कहा था हाँ कि नॉर्मल चलान काट करके हम लोग छोड़ देते, क्यों छोड़ देते नॉर्मल चलान, उनके उनके हाथ अधिकार में है वो, कैसे जो आप जब आप लगा रहे हैं कि वो लेते जब कमर्शियल वाहन को आप पकड़ते हैं, कमर्शियल वाहन को पकड़ के आप अपने मन छोड़ देते हैं, सत्य होता है। अब दूसरी बता रहा हूँ बात, आप जब ये बात कह रहे हैं तो एक वाहन हमारे पास और है जो इनका बात नहीं माना, जो इनका ये गाड़ी है इनका बात नहीं माना, इनका अमाउंट नहीं दिया, तो इन्होंने तुरंत उसको जो है डीटीओ के यहाँ भेज दिए। आपकी बात अगर करें आप बोल रहे हैं नौ चरण काट सकते हैं, तो कहाँ निकाट दिए नौ चरण, डीटीओ के यहाँ भेज दिए, इस कारण जो है उस व्यक्ति को 23,500 का फाइन लगा है, ये चलान है। तो जो आपका बात मान लेता है उसको अनोल कर देते हैं। बात क्या मान लेता है? काफी तो आप कह रहे हैं कि बात मान क्या लेता मान लेता है? आप जो कह रहे हैं कि मतलब जो उनका अमाउंट है कि इतना कर दो, वो कर दिए तो काम खत्म हो गया, मतलब अवैध अमाउंट, तो इलीगल अमाउंट, मतलब इलीगल अवैध अमाउंट उनको मिल गया तो छोड़ देते हैं गाड़ी, चलान कट करके सिंपल मैच कर लीजिए ना। आप इस गाड़ी को क्यों नहीं छोड़े, इतने गाड़ी क्यों छोड़ दिए, एक गाड़ी थोड़ी है, बस 15-20 गाड़ी का फुटेज है, वीडियोज मेरे पास है पड़ा हुआ है, तो इन पर जो अभी कार्रवाई, इसको कार्रवाई नहीं कहा जाए ना, सामान्य कार्रवाई है, कार्रवाई तो हुई भी है लेकिन ये बदली करके इनको जो है एसडीपीओ बना दिया गया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, ट्रैफिक डीएसपी आरोप लग रहा है, क्या वो अकेले है इसमें? अकेले कैसे है, उनका ड्राइवर है, उनका बॉडीगार्ड है, और भी पुलिस का जो थाना प्रभारी वो सब होंगे, थाना प्रभारी क्या उनकी संलिप्तता आपको नहीं दिख रही, केवल डीएसपी पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल होगी, लेकिन इन जितने के पास एविडेंस में संलिप्तता उसकी नहीं है, व्यक्तिगत आपकी दुश्मनी दुश्मनी मेरे पास नहीं, नहीं 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 थाना प्रभारी की भी शिकायत मिलती है, ऐसा नहीं है, उनकी भी शिकायत मिलती है, जांच मिलता है कि वो भी बाइक पकड़ छोड़ते हैं, लेन देन कर छोड़ते हैं, वो भी छोड़ते हैं, उन पर भी एडवांस नहीं मिल पाया उनके अगेंस्ट, कमर्शियल वाहन उनके द्वारा नहीं पकड़ा, खिलाफ आपको एविडेंस नहीं मिला या एविडेंस आप जमा नहीं किए, ये तो आप कहने कुछ कह सकते हैं ना, मेरे पास जो साक्ष्य है उसकी बात ना करेंगे हम, किसी पर आरोप लगा देंगे हम। अच्छा तो ये बताएं कि अभी आपके पास जो भी एविडेंस है उसको लेके आप पत्राचार वापस कर रहे हैं, अगर इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती हुई दिखाई दी तो फिर आगे क्या स्टेप होगा? आगे इस पे पीआईएल फाइल किया जाएगा हाईकोर्ट में।